हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस रामगढ़। दोस्तों, आज की जो जॉब की नोटिफिकेशन निकल गई राजस्थान पुलिस की तरफ से, इसका नोटिफिकेशन निकल गया जो ऑल ओवर इंडिया के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो आज हम इस वीडियो में इसकी सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और जो लोग नए होंगे मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मांग गए इस फॉर्म को भरने में, और कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग गया है। तो चलिए मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं आपको लेके चलता हूँ। ओके, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की तरफ से इसका एडवर्टाइजमेंट निकाल गया है, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे बोली गई है कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट बोली गई है। तो यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे बोली गई है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट है आपका यूनिट बटालियन में कॉन्स्टेबल सामान्य एवं कॉन्स्टेबल चालक के लिए यहाँ पे पोस्ट बोली गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 5000 बताई गई है। तो जो कैंडिडेट इच्छुक होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, यहाँ पे बहुत आपके लिए वैकेंसी निकाली गई, तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका फॉर्म यहाँ पे भरा जा रहा है, और नीचे में यहाँ पे जो बोला गया है कॉन्स्टेबल सामान्य चालक अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया से फरवरी मार्च 2020 में आपको आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर जो लोग कॉन्स्टेबल सामान्य चालक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, वो वहाँ पर ऑफलाइन यहाँ पर उसका एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जा रहा है, जो आपका फरवरी एंड मार्च में आपका एग्ज़ाम होने की यहाँ पे संभावना बताई गई है। तो आप यहाँ इस फॉर्म को आप कब से कब तक भर सकते हैं, तो इसका ऑनलाइन जो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो स्टार्ट होने के यहाँ पे जो डेट यहाँ पे दिए गए हैं, डेट के अनुसार यहाँ पे 15 दिवस पश्चात 30 दिवस यहाँ पे भरे जाएंगे। तो जो डेट यहाँ पे दिया होगा उसके 30 दिन यहाँ पे आपको टाइम दिए जाएंगे ऑनलाइन भरने के लिए, तो आप इसका इंतज़ार नहीं कीजिएगा, तो आप जल्दी ही इस फॉर्म को भर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक नंबर में जो आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बोला गया है कार नंबर में भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे हेतु आवेदक को SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर जो SSO ID यहाँ पर आपको बनाना होगा, अगर आवेदक को SSO ID नहीं है तो वह SSO यहाँ पर जो आपका वेबसाइट यहाँ पर दी गई है इसमें जाकर आप SSO ID आप बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में जो यहाँ पे बताई गई है परीक्षा शुल्क के संबंध में, तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस नंबर में आप संपर्क करके आप इस जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है इसमें जाकर आप ऑनलाइन इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं किसी भी साइबर कैफे में आकर, ठीक है। और नीचे में यहाँ पर जो सेकेंड नंबर में बोला गया है राज्य सरकार के अधीन संचालित ई मित्र, तो यहाँ पर आवेदक भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु ₹30 प्लस GST संबंधित ई मित्र TCO के सेवा शुल्क के रूप में दे होंगे, जिसके कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जाएगी, ठीक है। और यहाँ गा नंबर में जो बोला गया हाथों से भरे आवेदन पत्र यहाँ पे आपको स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो आप इसको ऑनलाइन ही आप आवेदन कीजिएगा किसी भी साइबर कैफ में जाके। और यहाँ पे घा नंबर में जो बोला गया है परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरांत आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर आपको सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, तो आप अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID आप जरूर ही भरिएगा। ओके, और यहाँ पे जो बोला गया अभ्यर्थी ऑनलाइन पत्र फोटो अपलोड करने के लिए अपना स्पष्ट एवं हाल ही का यहाँ पे फोटो आपका यहाँ पे बताया गया, तो हाल ही में जो खिंचवाए होंगे उसी को यहाँ पे देना है। और यहाँ पे जो साइज़ यहाँ पे बोला गया 100 KB से लेकर 50 से 100 KB यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर में बताया गया परीक्षा शुल्क, तो यहाँ पे जो सामान्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग में होंगे उनके लिए यहाँ ₹400 एप्लीकेशन फी ली जा रही है, और जो लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं शहरीय आवेदक हेतु होंगे तो ओनली फिर राजस्थान के होंगे मूल निवासी, तो यहाँ पे उनको ₹350 ले जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सामान्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर MBC वर्ग के आवेदक होंगे, या आपका जो जिसका परिवार में लगभग आय यहाँ पर 2.50 लाख रुपये होंगे वार्षिक, तो यहाँ पर उसके लिए ₹350 भी अप्लीकेशन फी ली जा रही है। ओके, और नीचे में यहाँ पे जो बोला गया है सेकेंड नंबर में अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति आवेदकों को यहाँ पे जो शुल्क दिए जा रहे हैं ₹400 आपको ले जा रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे राजस्थान के होंगे उनके लिए भी यहाँ पे ₹350 ले जा रहे हैं, और जो लोग राजस्थान के नहीं होंगे किसी भी ऑल ओवर इंडिया स्टेट से होंगे तो उनके लिए यहाँ पे 400 अप्लीकेशन फी ली जा रही है। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन इस फॉर्म को अप्लीकेशन फी को आप जमा कर सकते हैं किसी भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका अप्लीकेशन पे कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखित परीक्षा भी यहाँ पे बताए गए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका जो आपका लिखित परीक्षा होगा उसमें आपका ऑनलाइन के थ्रू ही आपका यहाँ पे
आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन के थ्रू आप एडमिट कार्ड यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे डाक से आपका कोई भी प्रवेश पत्र आपको नहीं भेजा जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। और फोन नंबर में जो बोला गया भर्ती है तो रिक्त पद, तो यहाँ पे सबसे पहले जिला यूनिट बटालियन में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना नियमानुसार यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में आपका सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे कितने सारे कैटेगरी में आपको सभी में दिए गए हैं, तो आप किस कैटेगरी में आते होंगे यहाँ पे अपना आरक्षण देख लीजिएगा कि किस किस कैटेगरी में कितना आरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है, और किस में आपका कितना सारा यहाँ पे वैकेंसी है, आप इसको चूज करके यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे 5,000 यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे कॉन्स्टेबल सामान या फिर चालक के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड के सेकेंडरी या फिर 10वीं कक्षा में यहाँ पे पास मांगा गया है, ठीक है। और नीचे में यहाँ पे जो बोला गया है कॉन्स्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता है, तो आवेदन पत्र की विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे भी मांगा गया है, जो लोग यहाँ पे चालक के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आयु सीमा बोली गई है, तो यहाँ राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम के अनुसार यहाँ पे जो मिनिमम आपका 18 ईयर्स यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और यहाँ अधिकतम यहाँ पे जो उम्र सीमा बोली गई है, सामान्य के लिए निम्न तिथि के बाद का जन्म तिथि नहीं हो, न्यूनतम आयु तिथि यहाँ पे जो पुरुष एवं महिला दोनों के लिए यहाँ पे बताया गया, तो 1/1/2002 का बाद का यहाँ पे नहीं बताया गया है सामान्य के लिए। और यहाँ पे SC ST के या फिर OBC के लिए यहाँ पे सेम ही आपका बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो, यानी कि निम्न तिथि के पूर्व का यहाँ पे जो डेट यहाँ दिए गए हैं उसमें यहाँ पूर्व आपका जन्मदिन नहीं हो, ठीक है। तो 2/1/1997 यहाँ पे बताया गया है पुरुष के लिए, और यहाँ पे 2/1/1992 यहाँ पे महिला के लिए यहाँ पे बताया गया है सामान्य वर्ग में। और SC ST या फिर OBC में यहाँ पे सेम ही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो 7 नंबर में बोला गया है कॉन्स्टेबल चालक के लिए, तो इसके लिए यहाँ पे जो सामान्य कैटेगरी में आते होंगे उसके लिए यहाँ पे जो निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, यहाँ पे जो बोला गया है 1/1/2002 यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और यहाँ सेम ही आपका SC ST में भी बताया गया है। और यहाँ पे जो निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो, यहाँ पे जो बोला गया है 2/1/1994 यहाँ पुरुष के लिए यहाँ पे बोला गया, और 2/1/1989 यहाँ पे महिला के लिए बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका शारीरिक मापदंड भी होगा, तो जो लोग इसमें रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं उसका यहाँ पे मेडिकल भी एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें आपका न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम सीना यहाँ पे, और यहाँ पे वेट आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा, ओके।